महामृत्युंजय सूत या रतन सूत नंबर 15 खीडं पुराणं नवं नत्थि संभवं विरत चित्तायतिके भविस्मिं ते खीण बीजा अवि रुढ़ि छंदा निब्बान्ति धीरा यथा यंग पदीपो इदंपि संघे रतनं पडितं एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु। खीडं पुराणं नवं नत्थि संभवं खीडं पुराणं नवं नत्थि संभवं। ये सेंटेंस अपने आप में कमाल का वाक्य है, कमाल का स्टेंजा है, कमाल की लाइन है। खीडं पुराणं यानी कि जो पुराना जितना भी काम किया है, कम किया है, जो पाप पुराने आपने किए हैं वो सब क्षीण हो जाएं या क्षीण हो जाते हैं। नवंग नत्थि संभवं और जो संभवं माने उत्पत्ति और जो नए हैं वो नहीं उत्पत्ति हो, यानी पुराने सारे खत्म हो जाएं, क्षीण हो जाएं और नए उत्पत्ति ना हो। विरत चित्ताय तिके भविस्मिं, विरत चित्ताय तिके ये है विरत चित्त रति के, इसका मतलब है वित्त चर विरत चित्त रति के, यानी कि जो चित्त के अंदर वृत्ति भाव आ जाए किससे, रति से, जो रत रहते हैं, जो राग रहता है उससे चित्त में वृत्ति का भाव आ जाए। भव इसमें माने हो गया। ते खीण बीजा अभी ऋण ही छंदा, ते खीण बीजा, ते खीण बीजा का मतलब है ते माने वे और क्षीण बीजा का मतलब है जिसमें अब आगे जन्म होने का भाव खत्म हो गया, क्षीण हो गया यानी कमजोर हो गया, अब आगे जन्म नहीं होगा, दुखों से मुक्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। ए अविरूढ़ी छंदा, अविरूढ़ी छंदा का मतलब है वृद्धि के अभाव की इच्छा, यानी कि पुरन जन्म के यानी अगले बर्थ के जन्म की इच्छा जिसमें खत्म हो जाए, यानी कि अगले बर्थ की आप ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और एक ही शब्द है ये अभी रूढ़ी छंदा। छंद जो बोलते हैं इच्छा को बोलते हैं, छंद माने जब बोट, भगवान बुद्ध ने जब बोटिंग का सिस्टम, इलेक्शन का सिस्टम बताया था तो उसमें भी छंद इस्तेमाल होता है, बोट को छंद भी कहते हैं यानी इच्छा कहते हैं, और जो चंदा लेते हैं वो छंद से ही बना हुआ शब्द है। चंदा दे दो यानी कि छंदा दे दो, यानी कि इच्छा जो इच्छा है वो दे दो, इसको चंदा बोलते हैं बाद में। अभी रूढ़ी छंदा, अभी रूढ़ी छंदा का मतलब है कि इच्छा खत्म हो गई, रुद्ध हो गई, विरुद्ध हो गई आगे बढ़ने की, अब आगे नहीं बढ़ना है, अगला जन्म नहीं लेना है। अगले जन्म की इच्छा शरीर के अंदर होती है हमारे, यानी हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में अगला जन्म लेना है इसकी इच्छा शरीर के अंदर होती है, इसकी एक फाइल होती है। अगर आपने उस फाइल को खत्म कर दिया, आपने अगले जन्म लेने की इच्छा खत्म कर दी, तो आपका अगला जन्म नहीं होगा, बर्थ नहीं होगी आपकी और आपका यही लास्ट होगा, आपको यही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपनी इस इच्छा को खत्म कर दिया था क्योंकि वो तो सब जानते थे, सारा कुछ उन्होंने सीखा और देखा। निब्बानन्ति धीरा यथा यंग पदीपो, निब्बान्ति धीरा, निब्बान्ति धीरा का मतलब है निब्बान होता है धीरा, धीरा माने जो मेहनत करता है, निब्बान प्राप्त होता है उसको। यथा माने जैसे, यंग माने जो, और पदीपो माने जैसे तेल जलता है, यानी कि जो धीर पुरुष है, जो मेहनत करने वाला पुरुष है, धीरा है, कहते ना कितना धम्म धीरा है, धम्म धीरा का मतलब है धम्म को मेहनत करने वाला, तो जो धीरा है वो निब्बान को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। कैसे, जैसे जब दीपक जलता है अगर उसका तेल खत्म हो जाए तो फिर वो नहीं जलता, बस जितना तेल है उतना जलेगा, उसके बाद वो नहीं जलेगा, खत्म हो जाएगा, अगला दीपक नहीं जल पाएगा जब तक उसमें तेल नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आगे बढ़ने की इच्छा का जो तेल है वो खत्म कर दिया, अब आगे नहीं होगा। ये बात सबसे अच्छी है संघ में, यानी संघ के रत्नों में ये बात सबसे अच्छी है। इदंपि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, और इस सच्चे वचन से जितना भी महामारी है वो शांत हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका लाभ हो जाए। ये है महामृत्युंजय या रतन सूत्र नंबर 15। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं
और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.